दोस्तों आजकल हम सभी फोटोग्राफर्स बन गए जी हाँ, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, सबके स्मार्टफोन में अच्छे अच्छे कैमराज आने लग गए हैं। सभी लोग जो है वो फोटोज निकालते हैं। लेकिन कुछ लोगों के फोटोज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के एवरेज होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। इनफैक्ट 90% लोग बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे बात नहीं है कि जो अच्छे फोटोज नहीं निकाल पाते हैं उनमें स्किल की कमी है, उनमें सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज की कमी होती है कि भाई कैसे निकालना है। और इसीलिए है दोस्तों ये वीडियो। आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं दोस्तों, स्मार्टफोन्स के जो कैमराज हैं दे आर केपेबल। इनफैक्ट 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर्स होते हैं। और इन बड़े ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमराज के साथ आप बहुत कुछ कर पाओगे। उतना ही नहीं, जो कैमरा ऐप्स आजकल आ गए हैं, डिफॉल्ट भी हैं या फिर थर्ड पार्टी भी है, बहुत ज़्यादा फीचर्स आ गए जो 90% लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अच्छे फोटोज निकालते हैं दोस्तों, उनको पता होता है उनका कैमरा ऐप कैसे है, फीचर्स क्या क्या है और किस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है। और एग्जैक्टली ये चीज आज के वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए एंड तक देखिए। वैसे अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों कैमरा ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज कह दूं, ट्राई कीजिए थर्ड पार्टी ऐप्स जो है वो इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल कैम जो है दोस्तों, सीरियसली आजकल 90% फोन्स में गूगल कैम का सपोर्ट आ जाता है। उसकी वजह से आप पोर्ट ढूंढिए आपके फ़ोन का जो भी है गूगल कैम का, वो इंस्टॉल कीजिए और देखिए सिर्फ वो एक चेंज करने से कितना डिफरेंस पड़ेगा आपके फोटोग्राफ्स पे। वैसे दोस्तों नीचे गूगल पोर्ट्स की मैं, गूगल कैम के जो पोर्ट्स हैं अलग अलग फोन्स के लिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक दो अच्छे थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स है उसकी भी लिंक दे रहा हूँ, जरूर देखिएगा। बट फर्स्ट वॉच दिस एंटायर वीडियो। एक चीज मैंने देखी है दोस्तों, जब आप फोटो निकालते हो जैसे ही जो भी एक्सपोजर है आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वैसे ही आप निकालते हो, लेकिन एक सिंपल सी चीज है दोस्तों, टच कीजिए स्क्रीन को और जो एक्सपोजर है वो आप कम ज्यादा कर पाओगे, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा पाओगे या कम कर पाओगे। शेडोज वगैरह अगर ज्यादा दिख रहे हैं तो थोड़ा ब्राइट कीजिए, अगर ज्यादा ब्राइट दिख रहा है तो वो जो स्लाइडर होता है लाइट स्लाइडर वो कम कीजिए। उसकी वजह से परफेक्ट जो एक एक्सपोजर होना चाहिए, राइट एक्सपोजर या फिर सब्जेक्ट पे जो राइट कलर होना चाहिए या फिर लाइट होना चाहिए, वो इजीली आप कर पाओगे विद दैट स्लाइडर। वैसे अगर ये नहीं करना है तो आजकल बहुत सारे कैमरा ऐप्स में ऑटो एचडीआर मोड भी आता है, लेकिन याद रखिए दोस्तों ऑटो एचडीआर मोड में अगर मूविंग सब्जेक्ट होगा तो ब्लर आ जाएगा, अगर स्टेशनरी सब्जेक्ट है तो आप ऑटो एचडीआर यूज कीजिए। एंड एचडीआर यानी क्या, हाई डायनामिक रेंज, इसका मतलब अगर ज्यादा डार्क एरियाज होंगे तो उसे वो लाइट करता है, ज्यादा ब्राइट एरियाज होंगे उसे वो कम करेगा, ताकि आपके जो सभी डिटेल्स हैं आपके फोटोज में वो आ जाए। तो ऑटो HDR यूज करने का ट्राई कीजिए, लेकिन ओनली फॉर स्टेशनरी सब्जेक्ट्स। और वैसे भी दोस्तों एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए या फिर परफेक्ट एक्सपोजर कौन सा है ये पता करने के लिए आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर पाओगे। अब मैं कहूं ये थोड़ी एडवांस है, अगर आपको पता है तो हिस्टोग्राम जो है वो बीच में आना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। अगर माउंटेन जैसे आपको दिखेगा इन द मिडल, देन दैट एक्सपोजर इज राइट। लेकिन हिस्टोग्राम के भी अलग अलग चीज होते हैं, कभी कभी ब्राइट चाहिए होता है आपको फोटोज, लाइट डार्क चाहिए होता है, तो उस हिसाब से आप हिस्टोग्राम के पास देखिए अगर आप जानते हो तो। वरना दोस्तों पोस्ट एडिटिंग में भी आप कर पाओगे। जी हाँ, आजकल प्रो मोड में रॉ मोड आने लग गए हैं। रॉ मोड यानी क्या दोस्तों, जो भी डिटेल्स हैं आपके फोटोज में पिक्सेल्स के, कलर्स के, वो सब वो स्टोर करता है। जी हाँ, रॉ मोड के जो पिक्चर्स होते हैं उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर स्नैपसीड वगैरह में आप बाद में उसे एडिट करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कलर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में आप वो फोटो एडिट कर पाओगे। कभी कभी जब आप एडिट करने लगते हो, थोड़ा कम ज्यादा करते हो लाइट नॉर्मल फोटोज के, तो वो बर्न हो जाते हैं या फिर एकदम डार्क दिखने लगते हैं। रॉ मोड के साथ वो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे आप। और हाँ, आज बर्स्ट फोटोज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह, वो बर्स्ट हमेशा यूज करते हैं, कभी एक सिंगल फोटो नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें एक्शन फोटोज में एक एग्जैक्ट पोज चाहिए होती है, एग्जैक्ट फोटो चाहिए होता है। तो बर्स्ट मोड आप स्मार्टफोन के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। यस, इसका मतलब एक सेकंड में वो 25-30 फोटोज निकालेगा, तो आपको जो एक एग्जैक्ट पोज चाहिए आपके सब्जेक्ट की वो आपको मिलेगी। तो बर्स्ट मोड जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आता है स्पेशली एक्शन फोटोज में। हाँ, लेकिन बर्स्ट फोटोज में आपको जो मिल जाएगा एक परफेक्ट पोज, वो लीजिए, वो फोटो रखिए, बाकी के डिलीट कर दीजिए, वरना एक दिन में पूरा स्टोरेज खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों आजकल हाई मेगापिक्सल के कैमराज आ गए हैं। एक चीज बता दूं आपको, जब आप 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल के कैमराज इस्तेमाल करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिक्सल्स होते हैं वो बीच में होते हैं। तो जनरली 1/3 रूल होता है कॉम्पोजिशन करने में, जब आप फोटो खींचते हो तो आपका सब्जेक्ट 1/3 पोजिशन पे होना चाहिए। हाई मेगापिक्सल कैमरा के साथ जब आप क्लिक कर रहे हो तो
तो थोड़ा बीच में लेकर आइए क्योंकि ज्यादा डिटेल्स आपको उधर मिलेंगे। और हाँ, ये कॉमन चीजें हैं, फिर भी आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपको लो लाइट में फोटोज खींचने हैं तो डेफिनेटली ट्राइपॉड वगैरह इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी ब्लर नहीं चाहिए, शार्प फोटो चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा आपका जो फोन है वो स्टेबल होना चाहिए, ट्राइपॉड पे ही रख दीजिए ना, या फिर किसी सपोर्ट के साथ रखिए और फिर खींचिए। वैसे भी आप ट्रिगर कर पाओगे, आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर स्मार्ट वॉच होगा, बहुत सारे जो आपके TWS ईयरफोन्स वगैरह होते हैं उससे भी अभी आप फोटो खींच पाते हो। सो यूज दोज थर्ड पार्टी थिंग्स, डोंट टच द फोन। जब आप फोटो निकाल रहे हो सिर्फ टच करने से भी फोन हिलता है और उसकी वजह से जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। तो ट्रिगर कीजिए आपके फोटो को दूसरे किसी डिवाइस से, दैट विल रियली हेल्प यू एंड ब्रिंग आउट द शार्प फोटोज। और फाइनली दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, नहीं निकालिए फोटोज, निकालते रहिए निकालते रहिए। जितना ज्यादा आप निकालोगे उतना यू विल गेट बेटर। जी हाँ, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही है कैमरा फोटोग्राफी के बारे में भी। तो निकालते जाइए धीरे धीरे एंड डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। अलग अलग एंगल से फोटो निकालिए, अलग अलग सिचुएशंस में फोटो निकालिए। तो धीरे धीरे जब आप ज्यादा फोटोज निकालोगे आप इंप्रूव करोगे आपकी जो मोबाइल फोटोग्राफी है उसे, डेफिनेटली ट्राई। और कमेंट्स में दोस्तों जाइए, और अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर और भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अच्छा फोटो निकाला हुआ है आपके मोबाइल के साथ, उसकी लिंक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी दैट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। वैसे सब्सक्राइब नहीं है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, नो यू हैव टू डू इट राइट नाउ, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन अगर सब्सक्राइब है नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।